गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज जो इम्पोर्टेंट सेशन हम करने वाले हैं उसमें है, हमने अभी तक रीजनिंग में क्या किया था? हमने अभी तक रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ को फिनिश कर लिया है। ठीक है भाई, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ को फिनिश कर लिया है। तो अब हमारे पास जो सीरीज़ है वो है न्यूमेरिकल सीरीज़। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। इसमें आपको सीरीज़ जो है वो नंबर्स में दी मिलेगी, या नंबर सीरीज़ बोल दो इसको, या इसको बोल सकते हो आप नंबर सीरीज़। ठीक है, तो जो नंबर सीरीज़ है उसके अंदर क्या इम्पॉर्टेंट बात है? देखो, नंबर सीरीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी, मतलब गैप हो सकता है उसमें, प्लस माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीज़न हो सकता है। ठीक है, वन मल्टीप्लाई होके टू ऐड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उन सीरीज़ में। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलना है। रोज़ 11 से 12 से 13 14 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा और उसी की प्रैक्टिस आप रोज करते जाओ, आपको नंबर सीरीज़ क्लियर हो जाएगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हैं, ये बात आप याद रखें। ठीक है, ये बात आप याद रखें कि बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। हम लोग NTSC के लिए जा रहे हैं तो NTSC के क्वेश्चंस भी मैं आज इस सीरीज़ में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो सीरीज़ बाय सीरीज़ हम चलेंगे और उसका फैक्ट लिख लेंगे कि क्या है क्या नहीं। जैसे मैं पहली सीरीज़ लेके चलूं, ठीक है, अब पहली सीरीज़ आपके पास है, सिंपल सीरीज़ है 2, 3, 5, 9, 17 और 33। अब ये सीरीज़ आपके पास है। देखो, सबसे पहले सीरीज में ये जज करना होता है कि जो गैप है वो अनइवन है या नहीं, या कांस्टेंट है, और गैप विल राइज, गैप इज राइज कांस्टेंटली। ठीक है, हिंदी में बोलूं तो देखो, आप इस सीरीज़ को देखो, ये सीरीज़ ज़्यादा तेज नहीं भाग रही, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 9, 9 से 17, 33, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कुछ बड़ा हो गया हो, कोई बड़ा नंबर आ गया हो। ठीक है ना, तो गैप अनइवन और गैप इज राइज कॉन्स्टेंटली, तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके देखोगे, मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं। ये बात याद रखनी है, गैप अनइवन है। देखो, गैप कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है इसके अंदर, 2, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 17 हो रहा है, फिर 33 हो रहा है। तो मैं इस चीज़ को दो तरीके से बना के देखूंगा कि ये बनती है या नहीं बनती। बनती है तो वेल एंड गुड है। एक तरीका और आपको बता दूंगा इसके अंदर, आप देख रहे हो कि गैप नहीं है, पहले दिमाग में यही आना चाहिए कि गैप अनइवन है या नहीं। अब गैप इवन सा है, गैप अनइवन है, गैप अनइवन और गैप इज राइज कॉन्स्टेंटली। ठीक है, गैप अनइवन है, सॉरी अनइवन नहीं करोगे, गैप आप इवन है और गैप इज राइज कॉन्स्टेंटली, तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने वाले हो उसके अंदर। ठीक है, इवन गैप है, अनइवन गैप नहीं है, कोई बड़ा नंबर नहीं आया, तो फिर आप क्या करोगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये बात याद रखें, बड़ा नंबर नहीं आएगा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब आपको क्या दिख रहा है भाई इसके अंदर, क्या दिख रहा है ये बताओ। देखो, 9 पहले गैप देख लो, 2 और 3 में कितने का गैप है, 1 का, 3 और 5 में कितने का गैप है, 2 का, 9, 5 और 9 में कितने का है, 4 का, 9 और 17 में कितने का है, 8 का, 17 और 33 में कितने का है, 16 का। तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जानी चाहिए, प्लस माइनस बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, तो आप कर लोगे इसको। अब देखो, 1 है, फिर कितना हो रहा है, 2, फिर कितना हो रहा है, 4,
फिर कितना हो रहा है 8 और फिर कितना हो रहा है 16। अब आपको यहीं से दिख रहा है कि गैप किस तरीके से बढ़ रहा होगा, आप अपना अंदाजा खुद लगा सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया, इस वन को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, पहले गैप को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर अगले गैप को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर अगले गैप को, ठीक है, 2 से फिर मल्टीप्लाई किया, और फिर अगले गैप को 2 से मल्टीप्लाई किया, और आपका क्या आ गया, 16। अब अगर अगला अक्षर निकालना है तो गैप इंटू 2 कर दो, 16 दुनी कितना हो जाएगा, 32, तो 32 है तो 33 में 32 को प्लस कर दो, 33 और 32 कितना हो जाएगा, 65। तो आप अपनी चीजें स्ट्रॉन्ग कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से, ध्यान से देखो, आप गैप लिखो पहले, सबसे पहला काम। अगर ये सीरीज इवन चल रही है, सीरीज के अंदर गैप ज्यादा आपको नजर नहीं आ रहा, 10-20 चलता है, 6-7-8 तक का गैप आप चेक कर सकते हो, तो पहले में गैप 1 का है, अगले में 2 का, अगले में 4 का, अगले में 8 का, अगले में 16 का, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, देखो 1 × 2, पहले गैप को 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे गैप को 2 से मल्टीप्लाई, तीसरे गैप को 2 से मल्टीप्लाई, चौथे गैप को 2 से मल्टीप्लाई, तीसरे गैप को, फिर पांचवें गैप को 2 से मल्टीप्लाई, तो सीरीज बन चली। अब सीरीज बन चली तो आपका आंसर भी आ गया 65। तो बड़ी अच्छी सीरीज थी ये। अब इसी सीरीज को मैं एक और तरीके से करके बताता हूं कि इस सीरीज को दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो। देखो ये भी दिमाग में आना चाहिए, सेकंड, ठीक है, दूसरी टाइप देखोगे, अगर आप ये देखो, देखो 2 और 3 है, 2 का मल्टीप्लाई करके देखो किसी नंबर से, 2 × 4 होता है, होता है, अब 4 में -1 करो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, अब जो 3 था, 3 × 2 कितना होता है, 6 में से -1, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 6 में से -1 किया कितना आया 5, फिर 5 × 10 -1 कितना आया 9, फिर 9 × 18 -1 कितना आया 17, उसके बाद 17 × 34 -1 किया तो कितना आया 33। सो दिस इज ऑल्सो अ सीरीज। अब 33 में कितना मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, सीरीज चल रही है भाई, कंप्लीट है, 66 -1, तो आप अपना आंसर लिख दीजिए 65। तो इस तरीके से भी आप सीरीज कर सकते हो। तो बच्चा पार्टी, आप पहली सीरीज को, अब आपको पता है कि 2 × 2 मल्टीप्लाई करके -1 कर सकता है, या गैप फिलिंग तो है ही आपके पास भैया, कि गैप देखो और आप कर डालो, ठीक है। तो पहली सीरीज अच्छे से बना लो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी, अच्छे से करो इसको, ठीक है। और NTSC एग्जाम में ये कम से कम 10 सीरीज ये आएंगी और 10 ही अल्फाबेटिक की आएंगी, तो ये बात आप याद रखें। अगली सीरीज जो आपके पास है वो है 3, 5, 9, 15, 23 और फिर डैश और फिर 45 दे दिया। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान देखो, फिर देखो इस सीरीज में क्या कहा था मैंने, गैप फिर अनइवन नहीं है, कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रही, कोई बड़ी डिजिट नहीं आ रही। अब बड़ी डिजिट नहीं आ रही, गैप इवन सा चल रहा है, तो फिर आप क्या कर दो, कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो आप अपना काम कर दीजिए, ठीक है। गैप देख लो, 3 और 5 में गैप कितने का है, 2 का, 5 और 9 में कितने का है, 4 का, 9 और 15 में कितने का है, 6 का, तो कुछ दिख रहा है, 15 और 23 में कितने का है, 8 का। अब यहां से देखो भाई कि क्या हो रहा है, ठीक है, पहले कितने का गैप था, 2 का, ठीक है, फिर 2 में 2 जोड़ दिए हैं, कितने का गैप हो गया है, 4 का, ठीक है, फिर 4 में कितने जोड़ दिए हैं, 2 जोड़ दिए हैं, गैप में फिर 2 जोड़ दिया और गैप कितने का हो गया, 6 का, फिर 6 में कितने जोड़ दिए हैं, 8, 6 में 2 जोड़ दिए तो गैप कितने का हो गया, 8 का। अब गैप कितने का है, 8 का, 8 में 2 जोड़ दो कितने हो जाएंगे, 10, तो 10 होने से गैप कितने का आएगा इसके बीच में, 10 का, तो 23 और 10, ठीक है, ये गैप हो गया, इसके बीच में गैप हुआ, इसके बीच में गैप हुआ, 23 और 10 कितना हो गया, 33। आगे चेक करो, गैप कितने का था, 10 का, तो 10 में 2 जोड़ दो कितना बना, 12, तो ये 12 का गैप है या नहीं, 33 और 45, यस। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ट्रिक। आपने क्या किया, आपको डायरेक्ट नहीं मिलने वाला,
अभी सीरीज का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है भैया। हर जगह आप सीरीज देख रहे हो, चाहे बैंक एग्जाम देख लो, चाहे किसी में देख लो, सब में सीरीज आती हैं। तो इसीलिए आप सीरीज की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। अब आपके सामने है बिल्कुल कि किस तरीके से गैप बढ़ रहा है, आपके सामने है कि गैप कैसे बढ़ता है तो ये आप कर सकते हो, ठीक है ना, कि गैप कैसे बढ़ रहा है। देखो ध्यान से, तीन और पांच में दो का गैप था, पांच और नौ में चार का गैप था। अब मैं देखूं तो तीन दुनी छह माइनस एक, पांच दुनी दस माइनस एक, लेकिन नौ दुनी अठारह माइनस तीन होता है, तो वो सीरीज नहीं चल सकती। तो आपको गैप पे ही क्या करना होगा, आश्रित रहना होगा। आपको दिख रहा है कि रिलेशन है कोई, दो से दो में जोड़ दिया चार, चार में दो जोड़ दिया छः, छः में दो जोड़ दिया आठ, आठ में दो जोड़ दो दस, और दस में दो जोड़ दो बारह। तो इस तरीके से गैप आपने फिल कर लिया। तो आप इसको अच्छे से कर लें, दूसरी सीरीज को भी, इंपॉर्टेंट सीरीज है, अभी गैप ही चल रहा है, ध्यान रखें, ठीक है। अगली सीरीज है भैया 9, 12, 11, 14, 13-15। अब इस सीरीज में देखो बच्चा क्या है, फिर गैप अनइवन सा है, लेकिन आप एक बार सीरीज को 10 सेकंड या 5 सेकंड के लिए देखो, 9, 12, 11, 14, 13 कुछ हो रहा है, 9 में 3 प्लस कर रहा है, फिर कुछ माइनस कर रहा है, फिर कुछ प्लस कर रहा है, फिर कुछ माइनस कर रहा है, दिख रहा है, बोलो बच्चा पार्टी, दिख रहा है भैया कुछ ना कुछ तो। और वो क्या है, वो देखो इसने क्या किया, फिर वही गैप पे आ जाओ, 9 और 3 कितना है 12, प्लस कर दिए भाई, और 12 में से एक माइनस किया है 11 बना है, 11 में 3 फिर प्लस कर दिए हैं, सीरीज चल पड़ी, 14 में फिर एक माइनस कर दिए हैं 13, अब 13 में तुम्हारे हिसाब से 3 प्लस करो, 13 और 3 कितने होते हैं 16, और 16 में से एक माइनस करो कितने होते हैं 15। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टाइप कि आपको क्या दिखेगा, गैप होगा माइनस होगा, गैप होगा माइनस होगा। आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो इस सीरीज को भी उतार लो, बड़ी आसान सीरीज थी ये, करते जाएं सीरीज को, ठीक है। उसके बाद 2, 4, 12, 48, 240। अब बताओ, अब एक बात देखो, फटाफट लास्ट डिजिट देखा करो, 48 और 240 में बहुत ज्यादा गैप हो गया, तो यहां कंफर्म गैप ना हो के किस पे जाओगे आप, मल्टीप्लाई करके देखो बच्चा, मल्टीप्लाई, ये बात आप याद रखें, गैप पे ना जाएं, आंख मीच के देख लें, 48 और 240 के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, 12 48 के बीच में भी गैप बहुत ज्यादा है, 36 का गैप है, 4 12 में तो ठीक है, 2 4 में ठीक है, लेकिन आगे गैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अनइवन गैप हो गया, अनइवन गैप हो गया, और नॉट अ कांस्टेंट रेट। अब कांस्टेंट रेट नहीं है तो आपको फट देनी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देख लेना है कुछ, कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। 2 को मल्टीप्लाई करो कितने से, 2 से, कितना आता है 4 आता है, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, देखो कि कोई सीरीज चल रही है नहीं चल रही, 4 3 12, 12 का 48 डिवीजर है, यस 12 से 48 डिवाइड होता है, 12 चौके 48, तो सीरीज बन गई भैया 2, 3, 4, 5, 6 खत्म, ठीक है। अब आपको पता भी चल गया कि मल्टीप्लाई कब करना है आपने, बड़ा आसान सा है। तो 2 दुनी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 4, फिर लिया आपने 4, 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से, 4 3 जा 12, फिर आपने कितना उठाया 12, 12 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो क्या हो रहा है देखो 2, 3, 4, 12 चौक 48। अब फिर आप 48 उठाओ, 48 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 है तो 1 बढ़ रहा है, देखो 2 में 1 बढ़ा 3, 3 में 1 बढ़ा 4, 4 में 1 बढ़ा 5, और 48 पंजे 240। अब 240 को किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई 6 से, तो 6 चौक 24, 6 दुनी 12 और 2 14, 1440। तो आप अपनी मल्टीप्लाई भी तेज कर लीजिए, ठीक है, टेबल याद कर लीजिए 20 तक,
मैं आपको पहले बता देता हूँ, कल हम उसी सेशन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कि क्या स्क्वायर होता है, किस तरीके से क्यूब आपने याद रखना है और किस तरीके से आपको टेबल याद रखनी है। तो टेबल आप याद रखेंगे और सारी सीरीज, जितनी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी उतनी ही जल्दी आप सीरीज बना पाओगे, ठीक है, नहीं तो सीरीज नहीं बनती, ये बात मेरी याद रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भाई, ठीक है, ये सीरीज आगे भी क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई करना था मल्टीप्लाई कर डालो, ठीक है, बड़ी आसान सी सीरीज थी, ज्यादा मुश्किल नहीं थी, ठीक है। अब उसके बाद एक और मैं गैप की ही देता हूं, गैप की देखो, 210, 195, 175, 150 और 120 कुछ दिख रहा है गैप, फिर देखो 210 में से गैप 195, गैप कांस्टेंट रेट से कम हो रहा है, देखो ध्यान से, 175, 150 नजदीक है अगर ये है तो, ज्यादा बड़ा उछाल नहीं है इसके अंदर। अब उछाल नहीं है तो करके देख लो, 210 में से कितने माइनस किए होंगे आपने, 195 बना होगा, कितने माइनस किए होंगे भाई, 10 और 5 15 माइनस किए हैं, आगे कितने माइनस किए हैं 195 में से 175 बनाने के लिए, 20 माइनस किया है, 15 20 माइनस, एक और देख लो कितने माइनस किए हैं, अब 175 में से 150, 175 में से 150 कितने माइनस किए हैं, 25। तो अब आपको दिख रहा है पहला कितना था, 15 का गैप था माइनस में, अब 15 में कितने जोड़ दिए हो, 5 जोड़ दिए हो, कितने का गैप हो गया, 20 का, अब 20 में कितने जोड़ दो, 20 में कितने जोड़ दो, 5, कितने का गैप हो गया, 25 का, मतलब माइनस हो रहा है गैप, इस बार प्लस नहीं, गैप माइनस हो रहा है, लेकिन आपको पता तो चल रहा है कि 15 का गैप था, फिर 20 का गैप हो गया, फिर 25 का गैप हो गया, अब अगला गैप कितना होगा, 25 प्लस 5 30 का, क्या 150 में से 30 माइनस करने पे 120 होता है, यस, तो ये भी गैप मिल गया। अब 30 में 5 कर दो प्लस, कितना हो गया 35, क्या 35 माइनस करने से आपका आंसर मिलेगा, मिलेगा भाई, 120 में से कितना माइनस करें, 35, जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे होते हो तो माइनस होता है, जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे होते हो तो प्लस होता है, ये बात याद रखें, 120 में से 35 गए तो कितना रहता है, 20 और 10 90 और 5 85, मतलब 85, तो बड़ा आपका अच्छा आंसर आ गया। ये सीरीज़ आप कंटिन्यू रखें और करते रहें प्रैक्टिस, बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं, और हर पेपर में लगभग लगभग चाहे कोई सा एग्ज़ाम हो उसमें ये सीरीज़ आएंगी ही आएंगी, तो आप फोकस करके काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो आपके सामने अभी तक तो फिर गैप, दोबारा गैप ही चल रहा है। अब एक आपको मैं इंपॉर्टेंट सीरीज लिखवाता हूँ, और वो इंपॉर्टेंट सीरीज सोचो कि क्या हो रहा है उस सीरीज में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज थी। अब एक इंपॉर्टेंट सीरीज जो NTSC 2019 में आई थी, इंपॉर्टेंट सीरीज, वो इंपॉर्टेंट सीरीज क्या है, देखो 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, अब मुझे आप आंसर बता दीजिए कि आंसर क्या आने वाला है, सोचो। देखो भैया देखो, बनाओ जल्दी बनाओ सीरीज, देख रहे हो भैया बनाओ, चलिए हम ही बता देते हैं, कोई नहीं। देखो इस सीरीज में क्या हो रहा है, पहले तो अपना दिमाग लगाओ, गैप है क्योंकि अनइवन है, पहला कंडीशन गैप दिख रहा है भाई, कुछ अनइवन सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, इवन सा ही गैप है। उसके बाद कांस्टेंट रेट से ही बड़ा और इंक्रीज रहा है, कोई एकदम बड़ा नंबर नहीं आया, तो फटाक गैप ढूंढो। 9 और 3 में कितने का गैप है बच्चा, 1 का, 3 और 5 में कितने का गैप है, 2 का, 5 और 6 में कितने का गैप है, 1 का, फिर 6 और 7 में कितने का गैप है, 1 का, ओ हो हो फंस गए, 7 और 2 में कितने का गैप है, 9 का, फिर 9 में और 10 में कितने का गैप है, 1 का, और 10 और 11 में फिर 1 का, 11 और 13 में फिर 2 का, तो कुछ नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है। ऐसी सीरीज जब आपको दिख रही है तो बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, देखो 1 और 2 का गैप, फिर 1 का गैप, 1 और 2 का गैप, फिर 1 का गैप, 1 और 2 का गैप, ऑब्वियस सी बात है, फिर 2 का आ गया, 13 के बाद फिर इस सीरीज के हिसाब से भी चलोगे तो 1 ही आना चाहिए आके, तो 13 और 1 अगर आता है, देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1 आ रहा है फिर 2 आ रहा है फिर 1 आएगा, और 1 के बाद फिर 1 आएगा, तो 13, तो अगला अक्षर कितना होगा, 14। तो ये एक अच्छी सीरीज है,
नहीं तो आपको एक और चीज बताता हूं। देखो सीरीज में क्या क्या है, इस सीरीज में तीन लेटर कंबाइंड हैं, ये तीन लेटर इकट्ठे उठा रखे हैं, ये तीन ठीक है न्यूमेरिक वैल्यू इकट्ठी उठा रखी है, और ये तीन कांस्टेंट इकट्ठे उठा रखे हैं। देखो दो और तीन में कितने का गैप है, एक का, तीन और दो में, तीन और पांच में कितने का है, दो का, ये गैप देख लिया आपने। अब उसके बाद पांच के बाद अगला अक्षर लिख दिया उसने छः, मतलब इसमें एक प्लस करके छः लिख दिया। अब छः में फिर कितने का है, अब ये इकट्ठे हैं एक और दो, याद रखना एक और दो। उसके बाद फिर नौ में एक प्लस करके दस लिख दिया है, तो दस फिर एक का गैप और फिर दो का गैप। उसी तरीके से अब एक तेरह और एक नया, मतलब क्या बनेगा, नया ज्वाइंट सेशन बनेगा, नया एक कंबिनेशन बनेगा, और वो क्या बनेगा, चौदह, चौदह के बाद आप क्या लिखोगे पंद्रह, और पंद्रह के बाद क्या लिखोगे सत्रह, तो ये न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा। आपको पता चल गया तेरह और एक कितना होता है चौदह, चौदह के बाद फिर पंद्रह, और पंद्रह के बाद फिर सत्रह। तो इस तरीके से ये एक अच्छी सीरीज थी, एनटीएससी 2019 में आई हुई थी। एनटीएससी का ही मैं एक और क्वेश्चन उठाता हूँ अभी, ठीक है उसको जरूर करें, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी, लेकिन सीरीज है सिंपल थी, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद चार चार बारह साठ 220, क्या दिमाग में आ रहा है बेटा जल्दी बताओ, अगली सीरीज बतानी है। अब क्या दिमाग में आ रहा है बच्चा, बच्चा दिमाग में यही आ रहा है कि फिर कुछ ना कुछ, देखो 60 के बाद सीधा 420, अगर 420 आया तो ये सीरीज मल्टीप्लाई से ही बनेगी, कंफर्म है, बना दो फिर मल्टीप्लाई से, कुछ है रिलेशन देखो, कुछ प्लस माइनस हो रहा हो, आपको बताया था मैंने चार तीन 12 करके एक माइनस भी कर सकते हो आप, 12 पंजे 60 करके माइनस कर सकते हो, लेकिन यहां तो डायरेक्ट बन रही है, चार को चार कैसे आता है, चार एकम चार, ठीक है, फिर चार आ गया, चार से बारह कैसे आता है, चार गुणा में तीन करते हो आप, फिर बारह से साठ कैसा आता है, ठीक है तो बारह से साठ आता है बारह पंजे साठ करके, फिर साठ से 420 कैसे आता है, छः सत्ते 42, तो साठ को किससे मल्टीप्लाई करते हो, सात से, और कितना आता है 420, ध्यान से देख लो भैया, फिर एक तीन पाँच और सात कितने कितने का गैप आ रहा है, एक में तीन दो का गैप, तीन और दो पांच का गैप, पांच और दो सात का गैप, तो अगली मल्टीप्लाई नौ के साथ होगी किसकी, 420 की, तो कितना आ जाएगा, नौ दुनी 18, नौ चौक 36 और एक 37, और आंसर आ गया जीरो। तो आप मल्टीप्लाई जितना क्विक कर सकते हैं, 9 की टेबल, 8 की टेबल, 13 की टेबल, 14 की टेबल, 16, 17, 18, 19, जितनी आप कैलकुलेशन स्ट्रांग कर सकते हो उतनी कर लीजिए, आपकी सीरीज बहुत आसानी से बन जाएंगी, दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। तो मैंने जो बात बताई थी कि मल्टीप्लाई कब होगा, जब आपको गैप बड़ा दिखेगा, नहीं तो फिर गैप पर ही रहिए, ठीक है। तो ये भी एनटीएससी 2019 की एक इंपॉर्टेंट सीरीज थी। एक और सीरीज लिखता हूं मैं, इंपॉर्टेंट सीरीज है एनटीएससी 2019 से ही, दो तीन छ 18 और 108, अगला गैप ढूंढिए, करिए बच्चा इतने, देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं इतने मार्कर चेंज कर लूँ, ठीक है बताइए मुझे क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। फिर आपको दिख रहा है कि अनइवन तो नहीं है, 18 से 108 बहुत ज़्यादा कूद गया, अगर 18 से 108 कूदा है तो गैप कितने का हो गया बच्चा, 90 का, 6-18 में, तो यहाँ गैप जब तक आपने देखा बहुत कम चल रहा था और 18 से 108 हो गया, तो फट देनी दिमाग में आनी चाहिए, दिस इज ऑल्सो अ सीरीज ऑफ मल्टीप्लाई, कि कुछ ना कुछ तो करा है इसने। अब दो से तीन नहीं आ सकता, या आप ऐसे कर सकते थे, दो दुनी चार माइनस एक किया हो शायद, किया हो शायद, फिर तीन से तो तीन दुनी छह किया हो, लेकिन ये तो छह आ गया, तो ये कंसेप्ट भी यहां नहीं बैठता, ये कंसेप्ट भी गलत हो गया अभी हमने जो कंसेप्ट किया मल्टीप्लाई वाला, या मल्टीप्लाई तीन है ही नहीं, ठीक है। अच्छा एक और चीज आपको बताता हूं यहां से, देखो कई बार अगर आप ये देखोगे कि दो से तीन कैसे बन सकता है, टू मल्टीप्लाई बाय डेढ़ कर सकते हो आप, डेढ़ को जब 1.5 की सीरीज भी रहती है, 1.5 को टू से मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है थ्री, अब थ्री को कितने से मल्टीप्लाई करो, कितना आना है छह आना है, तो तीन को दो से मल्टीप्लाई करके देखो छह आ रहा है, आ रहा है, तो डेढ़ से कितना हो गया दो हो गया। फिर दो तरीके से कराऊंगा भाई सीरीज, आपको छह तीन अठारह
18 भी आ गया, ठीक है। तो यहां क्या किया होगा भाई, उसने 0.5 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। फिर इसमें कितना ऐड कर दिया, 2 और 3 में 1 ऐड कर दिया, मतलब 0.5 का डबल। तो डबल ऐड कर दिया इसने। तो डबल ऐड करने के बाद कि क्या 18 की टेबल में 108 कितने पे आता है, 18 6 108 होता है। क्या कोई सीरीज चल रही है, देखो अगर ये सीरीज चल रही है तो नहीं चल रही तो मोर तरीके से बनाएंगे, डेढ़ और एक, ठीक है, डेढ़ और एक, और इसमें कितने का गैप डाल दिया भाई उसने, 3 का। तो कोई कंडीशन बनी नहीं, तो हम इस मोर्चे के ऊपर भी क्या हो गए, फेल हो गए, क्योंकि डेढ़ का डबल 1, 1 का डबल 3 नहीं होता, 1 का डबल तो 2 होता है, ठीक है, 2 ऐड करना चाहिए था, और 18 5 108 नहीं होता। तो ये चीज़ भी हम नहीं कर सकते। तो इस सीरीज में एक चीज़ और कैंसल आउट हो गई, 18 6 करके देख लो, 6 3 18 करके देख लो, 3 2 6 करके देख लो, 2 बड़ा 3 बड़ा, लेकिन फिर सीधा 6 बढ़ गया। तो अब क्या करना है, अब इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है, अलग से अपने दिमाग में डाल लो, इंपॉर्टेंट सीरीज है। देखो इसने क्या किया हुआ है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर कर 2 × 3 को कर कर क्या लिखा हुआ है, 6, देखो ध्यान से, ठीक है। फिर इसने अगले 2 उठाए, 6 × 3 करा और कितना आ गया, 18, देखो ध्यान से, ठीक है। फिर इसने 18 और 6 उठाया और बना दिया 108। बड़ी अच्छी सीरीज थी भाई, तो भैया NTSC है, ऐसे नहीं है, एग्जाम में आई हुई सीरीज है। अब 18 और 108 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 18 और 108 को। अब मुझे पता है, देखो 18 8 कितना होता है, 144 होता है, तो 4 आ गया, 14 गया, तो 4 एक और एक ऊपर हासिल चला गया, 18 1 18 18 और 1 19। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपको 18 का टेबल याद है तो। अगर याद नहीं है तो फिर आप मारे जाओगे, सीरीज 1 मिनट 1.5 मिनट ले लेगी, आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। आपको ये सीरीज तो करीब करीब बहुत कम टाइम में बनानी है, कम से कम 30 सेकंड्स में बनानी है, और अब भी मैंने यहाँ बोर्ड पर 30 सेकंड में या 35 सेकंड में बना दी होगी। तो इसीलिए आप याद रखें, मेहनत करते रहें, ठीक है। बिल्कुल आसान सीरीज थी, तो इस सीरीज़ को नोट डाल के बड़ा अच्छे से लिख लें कि ये सीरीज़ कैसे चल रही थी, ठीक है, क्लियर है। तो गैप देखा था हमने, गैप तो हुआ नहीं, तो फिर हमने सीरीज़ में ये करके देख लिया। कुछ भी हो करके देखना भैया, कुछ भी हो करके देखना है। अब आपके सामने सीरीज, लास्ट सीरीज ही लिख रहा हूँ, बहुत हो गई सीरीजें, ठीक है, नहीं सॉरी, एक और इम्पॉर्टेंट सीरीज लिखिए, इम्पॉर्टेंट सीरीज। वो इम्पॉर्टेंट सीरीज क्या है, उसमें आपको बता देता हूँ, कंसेप्ट बता देता हूँ। सीरीज कई बार, सीरीज मे कंटेन ओनली प्राइम नंबर, ये एक बहुत बड़ा फंडा है भाई। कई बार बच्चे तो देखते ही नहीं उसको, लेकिन सीरीज में कई बार क्या हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकते हैं, देन नॉट चेक द गैप। आप क्या करोगे, गैप को चेक नहीं करोगे। इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से अगर मैं सीरीज लिखूं, देखो 19 17 11 7, फटाफट नहीं, देखो भैया सीरीज किस चीज की है, 19 इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के मल्टीप्लिकेशन में आता है या वन में आता है, उसका फैक्टर या तो वन होता है या वो खुद होता है। तो 1 19 1 × 19 19, और 19 1 19, ठीक है। तो 17 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है, और 7 भी एक प्राइम नंबर है। 19 17 से छोटा प्राइम नंबर, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, 19 17 से छोटा प्राइम नंबर कितना है, 13। तो 13 एक प्राइम नंबर है, 13 के बाद 11 है, और 11 के बाद 7 है। तो आप इस तरीके से भी सीरीज को कर सकते हो, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है भैया ये। आप इसमें गैप ना पड़े, दिमाग खराब हो जाएगा, 11 7 19 17 क्या करें, 17 में 3 13 13 में 4 माइनस किया, आप पगलिया जाओगे भैया। या गैप देखना भी है तो आप खुद दिमाग लगाओ, 19 17 में 2 में 17 से 13 में फिर 4 का गैप, 13 और 11 2 का गैप, और 2 के बाद फिर 4 का गैप। अब गैप भी इसमें तो गैप भी चल रहा है, 2 का गैप था, 2 के बाद कितने का गैप था, 4 का, 4 के बाद फिर कितने का, 2 का। लेकिन आप इस चीज़ पे कंडीशन लगा नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट गैप आ जाता है, तो इसीलिए वो तो आपको भरने के बाद पता चल गया, 2 4 2, ठीक है, 4 2 4 2 4 चल रहा है गैप,
ठीक है, लेकिन इस तरह की सीरीज आप गैप चेक नहीं करोगे, डायरेक्ट आंसर लिखोगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी सीरीज, बहुत अच्छे से करते रहिए मेहनत। ठीक है, लास्ट सीरीज में एक और बनवा देता हूँ, ठीक, और उसके बाद सीरीज का सेशन फिनिश आज के लिए। ठीक, 3, 6, 5, 20, 7, 42 और फिर है आपके पास 9। क्या हो रहा है बच्चा, देखो क्या गैप अनइवन आया, कोई कहीं नहीं आया। तो भैया गैप अनइवन नहीं आया, चलो आप अब मेरे वाले कथन पे चलो भैया कि गैप अनइवन नहीं है, लेकिन गैप कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा। देखो 3 और 6 में कितना गैप है, 2 का, 6 और 5 में कितने का, 1 का, 5 और 20 में फिर 15, तो एकदम उछाल मार रहा भाई गैप, 20 और 70 फिर माइनस हो गया, तो गैप तो है ही नहीं, कन्फर्म है गैप इस सीरीज में नहीं है। अब गैप नहीं है तो क्या है, देखो ध्यान से, गैप नहीं है तो क्या है भैया, क्या 3 का मल्टीपल 6 है, यस कर दो, कोई नहीं, आखिरी में कुछ नहीं उजार है। तो गैप एकदम बढ़ रहा था ना, आपने देखा था 5 से 15 बढ़ रहा था, फिर 7 से 42 बढ़ गया, तो 7 6 42 हो गए, तो मल्टीप्लाई में आन लग रहे तो आप मल्टीप्लाई पे चले जाओ। देखो 5 हो गया, अब 5 और 20 में देखो क्या मल्टीप्लाई है, 5 चौके 20 बढ़ रहा है, 7 और 42 में देखो 7 6 42 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या लिख सकते हो भैया, अब मतलब क्या था, इस तरीके से सीरीज बनी हुई है, 3 और इसमें तो गैप है 2 का, 5 और 7 में कितने का गैप है, 2 का, 7 और 2 में कितने का गैप है, 9 का, लेकिन यहां गैप नहीं चल रहा, 6 20 42। अब इस तरीके से भी गैप आप देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया था कि 3-3 कंबाइंड भी कर रखे हैं, और आप गैप एक छोड़ के अल्टरनेट भी गैप आ सकता है, ये बात याद रखें, अल्टरनेट गैप भी आ सकता है भाई, ये बात याद रखें आप। अब 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9 कर दिया, लेकिन यहां सीरीज क्या बन रही थी, अगर देखोगे 6 और 20 में 14 का, तो 20 और 42 में फिर 22 का, तो ज्यादा बड़ा हो जाता है, आप गैप किस हिसाब से अंदाजा लगाओगे, नहीं लगा सकते, लेकिन ये था सीरीज दो तरीके से चल रही है, इधर गैप ढूंढ लिया उसने और इधर 3 दुनी 6 कर दिया, और फिर 5 लिख के 5 चौका क्या कर दिया 20, फिर 7 लिखा 5 के लिए और 7 6 क्या कर दिया 42, फिर लिखा इसने 9। तो यहां देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई थी, 2 के बाद कितने मल्टीप्लाई होगी 4 की, मतलब 2 में कितना जोड़ दिया 2, अब 4 के बाद किसकी मल्टीप्लाई है 6 की, 4 में कितना जोड़ा 2, अब 6 की मल्टीप्लाई है तो 6 में कितना जोड़ दो 2 8, मतलब 9 की मल्टीप्लाई जो होने वाली है वो किससे होने वाली है 8 से होने वाली है, 9 8 का कितना होता है 72, तो अगली डिजिट क्या होगी 72। गैप देखो भाई, मल्टीप्लाई करके देखो भाई, ठीक है, बस इन दो चीज़ों से सीरीज चलेगी, और आप आगे पीछे करके देखो, अल्टरनेट सीरीज भी मैंने आपको बताई 3 5 7 9, ठीक है, 3-3 की सीरीज इकट्ठी हो गई, एक सीरीज बिल्कुल प्राइम नंबर की थी और एक सीरीज में क्या हो रहा था 2 3 6 18 108 हो रहा था। ठीक है, तो बहुत अच्छी सीरीज है, बढ़िया है, करके रखिए इसको अच्छे से। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट सीरीज थी, कल फिर हम नेक्स्ट सेशन के लिए आएंगे। आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट जो भी लेना है लेते रहिए और काम करते रहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, मेहनत करते रहो भैया, मेहनत करते रहो, मेहनत ही सबसे इम्पॉर्टेंट है और मेहनत ही रंग लाएगी।